आशियाना वेलफेयर सेवा एसोसिएशन के सदर और बानी मोहम्मद औसाफ अहमद सिद्दीकी और मोहम्मद अब्दुल खालिक इरफान मेहदीपट्टनम कंस्टेंटेंट कॉर्पोरेटर कौसर बादशाह रंगारेड्डी जिला जनरल सेक्रेटरी ने मुस्तहिक अफराद में कंबल तकसीम किए। ये कंबल उस्मानिया अस्पताल न्यूरोफर अस्पताल या रास्ता गुजरने वालों को दिया गया। इस दौरान इरफान खालिक ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए तफसीलात भी बताई। अज़बिल्लाज़िम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आशियाना फाउंडेशन के तरफ से जो आशियाना फाउंडेशन के मेन चेयरमैन है हमारे औसाफ सिद्दीकी, उनकी तरफ से एक प्रोग्राम मुनाक़द किया गया है ब्लैंकेटों का। आप तो देख रहे हैं कि मौसम कितना चेंज हो गया है, तो हम लोग ने फैसला किया है कि ब्लैंकेट्स हम लोग गरीब लोगों में जो सड़कों पर सोते हैं, जिनके पास उड़ने के लिए कुछ नहीं है पाबीचारों के लिए, तो हम लोग ने पहले नीलोफर हॉस्पिटल जो चिल्ड्रंस नामपल्ली हलके में आता है वहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर उसके बाद हमने उस्मानिया हॉस्पिटल के पास जो उसके आजू बाजू जहाँ पर भी लोग सो रहे हैं, हम लोग रफ्तन रफ्तन एक एक शख्स से मिलकर हम लोग से जितना हो सका हम लोग ने ब्लैंकेट को हम लोग उस जो 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 भी मतलब जिसके जिसको ज़रूरत है बस ज़रूरतमंद को हम लोग ने दिया है। तो हम लोग से अपील करते हैं कि जिसके बाद जो भी साहिब इस्तेदात है तो आप अपने तरफ से आइए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये एक इंसानियत का काम है। ये तो हम जो है हमारा इस्लाम जो है और हर मज़हब जो है पहले इंसानियत पे तवज्जो देता है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो जो इंसानियत का पैगाम लाया है और हमारा इस्लाम जो है इंसानियत पर फैला है। तो लिहाजा मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे औसाफ सिद्दीकी का, जो इतनी सी छोटी सी उम्र में बड़े बड़े बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि जॉब मेला भी करे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम करे हैं। तो लिहाजा बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। खुदा हाफिज़।